अत्तहियात क्या है? क्या आप जानते हैं कि अत्तहियात जो हर नमाज में पढ़ी जाती है उसका वजूद कैसे हुआ? अत्तहियात यह एक बहुत अहम दुआ है। जब मैंने इसकी हकीकत जानी तो इसकी हकीकत मेरे दिल छू गई। तो आइए जान लेते हैं अत्तहियात क्या है। अत्तहियात असल में गुफ्तगु है आसमान में अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान की, कि जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए हाजिर हुए, मुलाकात के वक्त रसूल अल्लाह ने सलाम नहीं किया और अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा। अगर कोई अल्लाह से मुलाकात करता है तो उस शख्स को क्या कहना चाहिए? दरअसल हकीकत में हम अल्लाह को सलाम नहीं पेश कर सकते, क्योंकि तमाम सलामती अल्लाह की तरफ से है। इसलिए रसूल अल्लाह ने अल्लाह को सलाम ना करते हुए यह फरमाया, तर्जमा, तमाम बोल से अदा होने वाली और बदन से अदा होने वाली तमाम इबादतें अल्लाह के लिए है। इस पर अल्लाह ने जवाब दिया, तर्जुमा, सलामती हो तुम पर या नबी और रहमत और बरकत हो। फिर नबी ने फरमाया, तर्जुमा, सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। यह गौर करो, नबी ने सलामती हो मुझ पर ऐसा नहीं कहा, बल्कि सलामती हो हम पर यानी उम्मत पर ऐसा कहा। यह सब वाकया फरिश्तों ने सुना और यह सब सुनकर फरिश्तों ने अर्ज किया, तर्जुमा, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और हम गवाही देते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बंदे और रसूल हैं। मेरे आजिजों, अब सोचो कि हम कितनी अहम दुआ अत्तहियात हर नमाज में पढ़ते हैं। आप मनोरंजन के वीडियोस तो बहुत शेयर करते हैं और खूब मजे लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस खूबसूरत दुआ को शेयर करें ताकि सभी मुसलमान इस दुआ का मतलब जान सके। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, क्योंकि अच्छी बातें सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है।